मुन पर रहमत लोन हमारे खास वर्कर देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ये मानते हैं कि भारत गांव में बसता है और शहर तो एक छोटा इलाका होता है, रूरल एरिया ग्रामीण इलाका बड़ा इलाका होता है। हंदवाड़ा उसका एक छोटा कस्बा है। हमने यहाँ से इसलिए शुरुआत की है, पार्टी तो पिछले काफ़ी दिनों से काम कर रही है चंडवाल जी के नेतृत्व में, लेकिन इसका हमने इसलिए हंदवाड़ा में शुरू किया कि सबसे ज़्यादा देश में मीडिया में कुपवाड़ा और हंदवाड़ा बदनाम जगह। हम हंदवाड़ा में आके मैसेज देना चाहते हैं कि जो पूरे देश की मीडिया जो दिखा रही है ऐसा हंदवाड़ा नहीं है, हंदवाड़ा में अमन चैन है और देखिए हम आपके बीच में खड़े हैं। क्या लग रहा है आपको सर, हजारों पार्टियां हैं हिंदुस्तान की, अगर आप बात करें तो कश्मीर में भी सैकड़ों पार्टियां काम कर रही है, रूलिंग पार्टियां, तो क्या लग रहा है आपको आपकी पार्टी कहां तक स्टैंड कर पाएगी और क्या जीत पाएगी यहां पर? नेशनल यूथ पार्टी 2009 से पूरे देश में नौजवानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरे देश में काम कर रही है। आज पूरे देश के सारे बड़े राज्यों में नेशनल पार्टी की यूनिटें काम कर रही हैं। कश्मीर हमारे लिए अलग नहीं है, हमारे लिए एजेंडा नहीं है, हमारे लिए ये अपनों का घर है और हम कश्मीर के लोगों को एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो हमारे अपने सगे भाई बहन जैसे हैं। इसलिए हम हंदवाड़ा में आए हैं, इसलिए हम कश्मीर में आए हैं और सारे नौजवानों को अपने साथ जोड़े। सर, हाल ही में एक हिंदी पिक्चर फिल्म यहाँ पर कश्मीर फाइल्स के नाम से जो है पूरे इंडिया के लोगों ने देखी, हालांकि देश भर में लोगों ने देखी है, तो कुछ रिएक्शन उस पर लोगों ने किया कि ये जो है फसाद डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पंडित बरादरी के लोग पहले से रह रहे हैं, आज भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि उसकी वजह से यहाँ पर उन मोहब्बत में कुछ कमी आई है? देखिए, जो कश्मीर फाइल की बात है, एक कमर्शियल फिल्म बनाने वाले के विषय में मैं मुद्दे पर क्या बात करूँ, लेकिन फिर भी वो फिल्म चल रही है देश में। उसने देश में एक वर्ग को और ख़ासतौर से एक दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों का ईगो सेटिस्फाई किया है, लेकिन उसमें फैक्ट नहीं है, उसमें इतिहास नहीं है, उसमें तथ्य नहीं है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने इतिहास में एमए किया है, मैं लगातार पढ़ता लिखता रहता हूँ इस विषय पर। कश्मीर का जो बुरा दिन था, 90 का दौर था जिसमें कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन हुआ, तो उसमें ऐसा नहीं था कि जो है सिर्फ कश्मीरी पंडित भाई ही मारे गए, कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन हुआ, उनकी भी हत्याएं हुई, साथ में हमारे मुस्लिम भाइयों की भी तो हत्याएं हुई। पीड़ित दोनों पक्ष से है, हमें वॉक एंड टॉक करना चाहिए, दो संवाद करना चाहिए और एक एक संवाद से ही रास्ता निकलेगा, जबरदस्ती से, कानून से और डंडे से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। कश्मीर के लोगों के साथ संवाद का अभियान हमने शुरू किया है और हम गांव-गांव जाएंगे, छोटे छोटे कस्बों में जाएंगे और कश्मीरी आवाम से, कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। एक बार भरोसा तो कायम हो, दुर्भाग्य से मुझे ऐसा लग रहा है कि भरोसे की कहीं चूक हो रही है, उस भरोसे को कायम करने के लिए नेशनल पार्टी ने। नेशनल पार्टी प्रेजेंट होने के नाते आपका क्या स्टैंड रहेगा जो एक स्टेट को यूनिटरी में डिवाइड किया गया है? नहीं, हम तो इस बात की डिमांड कर ही रहे हैं कि जो है स्टेट का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर का वापस मिला जाए। चार बड़ी सब्जेक्ट हैं जो पार्टी के सेंट्रल सब्जेक्ट हैं, खत्म होती खेती, आज जो है कोई भी अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है, कश्मीर के अंदर भी किसानों की स्थिति कैसी है, बागवानों की स्थिति कैसी है, खत्म हो महंगी होती शिक्षा इतनी महंगी कर दी जा रही है कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, और अगर हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमारा बेटा पढ़ नहीं पाएगा तो अपने भविष्य का निर्धारण कैसे करेगा। इसलिए शिक्षा सबको अनिवार्य और निःशुल्क हो, ये हमारा एजेंडा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत बहुत पीछे है, हम दावा करते हैं, हमारी सरकारें, हमारे पॉलिटिशियन दावा करते हैं आज़ादी के 75 साल में ये विश्लेषण होना चाहिए हमने क्या खोया और क्या पाया। सर, महंगाई उरूज पर है आज, देखिए आप पेट्रोल या खाने पीने की चीज़ की बात करें तो कैसे देश आगे चलेगा, जिस तरह से आज यहाँ पर रोजगार नहीं है लोगों का? देखिए, बेरोजगारी की समस्या तो पूरे देश में, सिर्फ कश्मीर में नहीं, ठीक है, और ये सरकार की नीतियों का परिणाम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसीलिए सरकार बदलने का अभियान है। सीधी सी बात है, सरकारें बदलेंगी तो नीतियाँ बदलेंगी, और हम नौजवानों को इस देश का नीति निर्माता बनाना चाहते हैं, पॉलिसी मेकर बनाना चाहते हैं, हम उनको जो है सिर्फ पार्टी के पिछलग्गू नहीं बनाना चाहते हैं, वो आएँ, वो विधानसभा में बैठें और अपने भाग्य का निर्धारण करें, उनको कैसा भारत चाहिए, उनको कैसा कश्मीर चाहिए, वो खुद निर्धारित करें।